आलिया, आलिया फोन आया। Relax, then was just an SMS. कब करेगी वो फोन? उसने कहा था वो शाम को फोन करेगी, इतनी देर हो गई। You know what? तुम उसे फोन करो और उसे 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 बात करो। अरे तुम्हें ना उसी वक्त दिल क्रैक करनी चाहिए थी, पर अभी भी देर नहीं, तुम उसे बात करो। क्या सोच रही हो, बात करो। Patience करो, patience. I mean, जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सही है और वो कॉल करेगी, so just relax. ये और उसके राज भैया, बस पेशेंस करवाते करवाते मुझे एक दिन पेशेंट बना देंगे। आलिया, क्यों ना इस डील के बारे में राज भैया को बताएं? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मना ही कर देंगे। मना करेंगे, लेकिन जब उन्हें इस डील के बारे में पता चलेगा तब उन्हें बुरा नहीं लगेगा। पता तो तब चलेगा ना जब उन्हें कोई बताएगा, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि उन्हें कोई नहीं बताएगा, समझी तुम? बस अब उस लेडी के फोन का इंतजार करो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अच्छा दी, अब मैं चलती हूँ, और आलिया से अगर कोई भी बात हो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुझे सब फोन करके बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, फोन मत करना। तू जानती है ना, माँ हमेशा मुझसे पूछती रहती है किसका फोन है, क्या बातें कर रही है, तो बेटर यही होगा कि तू मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। और मुझे ना फोन करना ना मैसेज करना, पता है 24 घंटे मेरे साथ इंदु रहती है, वो भी तेरे रोनी की तरह मेरी असिस्टेंट बनी हुई है। लिस्ट में देखूं और क्या क्या बचा है, जब भी खरीदारी करनी होती है ना ये बुलबुल पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो दादी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप इंदु दादी को भी हमारे प्लान में शामिल कर लो, इजी हो जाएगा थोड़ा। अरे तूने तो अभी खुद कहा कि प्लान में जितने कम लोग होंगे प्लान उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगा, और अभी खुद आइडिया दे दिया ना तूने, अब ये बकवास सजेशंस मत दे। अरे बेटा क्यों इसे डांट रही हूँ, ये हमारे प्लान का मास्टरमाइंड है, बेचारी से जरा प्यार से पेश आया करो। ठीक है मिस मास्टरमाइंड, अब मेरा माइंड मत खाइए, जल्दी घर जाइए, माँ इंतजार कर रही होंगी। इतना सारा सामान लेके ना मुझे अकेले को भेज दिया, और मुझे याद भी तो नहीं रहता, लिस्ट तो बनाई है लेकिन लिस्ट बनाते बनाते भी तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान रह गया। हे भगवान, बैंगन तो लेना। दी दोबारा हक क्यों किया? एक माँ के लिए, बहुत दिन से माँ को जब भी नहीं दी ना। ख्याल रखना। सर रॉनी मुझे गेम खेलना सिखा रहा था। वो तुम्हें गेम खेलना सिखा रहा था, तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था, तुम्हारे साथ रहकर ना मेरी सीक्रेट्स के बारे में पता लगा रहा था, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें दुश्मन पार्टी के साथ देख लिया तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। डियर गेट दैट, सॉरी सर। हेलो, आप कैसे हो? फाइन सर। और ये काम वाम नहीं है क्या तुम्हारे पास, गेम खेलना सिखा रहे? कहा है तुम्हारी बॉस? दी तो बाहर गए। अच्छा बाहर गई है, और तुम अंदर गेम खेलना सिखा रहे हो, यही ड्यूटी है तुम्हारी? नहीं, दी ने बोला कि तुम यहीं पे रुकना, तो बस मैं वो दीदी ने बोला। तो जो दी बोलेंगी तुम वही करोगे? हाँ, जो दीदी बोलेंगी तो वो मैं करूंगा, जो दीदी बोलेंगी वो मैं करूंगा। ए चंचल, ये कहीं सुना है मैंने, ये डायलॉग इसने चेंज किया। एक्चुअली डायलॉग वो था कि जो जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, चेंज किया इसने, याद नहीं सलमान खान की मूवी में था। अच्छा, तो जीजा जी को निकाल कर दीदी डाल दिया। खड़े खड़े मुंह क्या दिखा था, वरना चप्पल से मारूंगा, वो भी ब्लू कलर का। से पकड़ के लाया इस कार्टून को। और चंचल कौन सा गेम खेल रही? सर मैं जाती हूँ। तू क्या कर रहा है, मेरी बात सुन, तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है और अपना मूड क्यों खराब कर रहा है, और वो भी इसके लिए? देख हमने इतना रॉकिंग गाना बनाया, इतना सुपर हिट होने वाला गाना बनाया, बाहर चलते हैं पार्टी करते हैं। गुड आइडिया, वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों बाहर नहीं गए। चल अब हम दोनों अपनी बैचलर लाइफ जी, कम ऑन। अभी ये बैचलर का नाम लेते ही लड़कियों की आवाज कहां से आ गई? अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन? स्क्रैचिंग। क्या बात है, अभी तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या घर छोड़ के चली गई क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली वो हम एक स्क्रैच म्यूजिक बना रहे थे, रवि ने स्क्रैच म्यूजिक बना लिया, तो वी थॉट हम बाहर जाके कहीं पार्टी करते हैं। अभी मुझे भी सुनना है तुम्हारा स्क्रैच म्यूजिक, प्लीज। तनु अभी नहीं, अभी हमें बाहर जाना है। प्लीज अभी थोड़ा सा सुना दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सुनो,
स्क्रैच म्यूजिक, सुन लिया? ओहो तुम चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तुम हो, मुझे लगा कि क्या लगा आपको? नथिंग, कम। भाई I just had a question कि आपका वो स्क्रैच म्यूजिक का सीडी आप लैब में कब दे रहे हो? उनका फोन आया। एक्चुअली म्यूजिक ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे बस ऑफिस जाना है इसे लैब में छोड़ने के लिए। ओह फैंटास्टिक, आपको मैंने कहा है आपको हर वक्त जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी उस तरफ जाने वाली हूँ, सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, मुझे दे दो सीडी तो मैं जाकर ड्रॉप कर दूंगी और तब तक वो लोग उस पर काम भी करना शुरू कर देंगे, सो बाय द टाइम आप वहां पर पहुंचो आधा काम ऑलरेडी हो चुका होगा एंड यू कैन गो इन देयर एंड गिव इन योर इनपुट। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट, तो तुम इसे ऑफिस ले जाओ, वैसे भी मेरा ऑफिस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। ऑलराइट देन, यू चिल, आई सी यू टुमारो, बाय। क्या जल्दी, ये म्यूजिक तब प्रोसेस होगा जब मैं सुनूंगी, आखिर सुनूं तो सही कि ये सुनने लायक भी है या नहीं। तुम होती कौन हो मेरे म्यूजिक को जज करने वाली? अरे म्यूजिक की समझ है नहीं, आप तुम बताओगी क्या अच्छा है क्या? Not bad. तुम ये सीडी ले जा सकती हो, और हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी तो इसका खास ख्याल रखना। ओके, आई मीन जिस हिसाब से वो चल रही है उसको हर चीज की खबर है यार, एंड आई एम श्योर कि सुबह तक वो इस सीडी के बारे में जरूर पूछेगी, और सबसे पहले तो वो मेरे पीछे ही दौड़ेगी क्योंकि उसने खुद ही तो ये सीडी मुझे दी। और उस लेडी का क्या करेंगे अगर उसने तुमसे म्यूजिक मांगा तो? अरे हम उनसे ये एडवांस ले चुके हैं, क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? उसको तो मैं संभाल लूं, लेकिन अगर प्रज्ञा को मुझ पर शक हो गया ना वो संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यार, एंड आई डोंट वांट टू रियली फेस दैट। ये मौका बहुत ही मुश्किल से हमारे हाथ आए और मैं इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ओके तो तुम एक काम करो, ये पैसे जाके लॉयर को दे दो, तब तक वो तो अपना काम शुरू करे। तुम सीरियसली मैं कुछ नहीं सोचती ना, तब हम ये पैसे किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मान लो कि उस लेडी ने ये पैसे वापस मांगे अगर डील पूरी नहीं हुई तो, और हम उसे ये पैसे नहीं दे पाए तो वो सबके सामने हमें एक्सपोज कर सकती है ना यार, और ये रिस्क हम नहीं उठा सकते यार। सो हमें बहुत ही सोच समझ कर ये डील पूरी करनी होगी, और जब तक ये डील पूरी नहीं होती है तब तक ये पैसे हमें कहीं भी खर्च नहीं करने हैं। डू यू गेट दैट? पर अब करेंगे क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओके सुना नहीं है? मैंने पूछा सोना नहीं है? ये क्या कर रहे थे? नहीं वो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी फूकी मेरे पास आ गई हो। अच्छा एक बात बताओ, ये हर पल जो तुम पैसा पैसा करती रहती हो, ये इतने पैसों का तुम करोगी क्या? बहुत कुछ है करने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगी, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। Thank you.
अब मजा आएगा। कल बहुत स्मार्ट बन रही थी ना मुझे उल्लू बनाकर, आज मैं इसका उल्लू नहीं इसकी मुर्गी बनाऊंगा, फिर निकलेगी आवाज। क्या ये? अरे तुम ही कहती हो ना कि तुम्हें लाउड म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। सो गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज प्रज्ञा पहलवान एक्सरसाइज नहीं करने वाली? स्टार आप है ना, आपको अपने लुक्स अपनी बॉडी का ख्याल रखने की जरूरत है, मुझे नहीं। अरे रहने दो रहने दो, मुझे पता है कि कल एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हारी हड्डियों की गारंटी खत्म हो गई है। बाहर से तुम जितनी स्ट्रांग दिखती हो ना, अंदर से क्या हो असल में सिर्फ मैं जानता हूँ। क्या हूँ? छोड़ो ना वरना सुबह सुबह झगड़ा हो जाएगा। अरे झगड़ा तो वैसे भी हो रहा है, आप मुझे बताइए मैं क्या हूँ। जानना चाहती हो? How is it possible, यार? तुम 20-20 किलो के डंबल्स को खिलौनों की तरह उठा रही हो, इतनी ताकत कहाँ से आई तुम में? यार, how? मुझे दिखा। नहीं, ये मेरे डंबल्स हैं। लाओ मुझे दिखा, दिखा मुझे। नहीं, मैंने कहा मुझे। देखते कि मेरे डंबल्स हैं। नहीं, देखिए अब नहीं, हाथ नहीं, आप मत लगाइए मेरे डंबल्स को, हाथ लगाइए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो डंबल्स बदलवा दिए थे, तो फिर ये पुराने वाले डंबल्स कहाँ से आ गए? बदलवा दिए थे मतलब जो नकली डंबल्स पड़े हुए थे ना उसे हटवाकर मैंने असली डंबल्स रखवाए थे, तो फिर ये नकली डंबल्स कहाँ से आए? क्या कहा आपने? फिर मत देखिए, मतलब आपको पता था कि मैं नकली डंबल्स से एक्सरसाइज कर रही हूँ और आपने उसकी जगह असली 20-20 किलो के डंबल्स रखने की कोशिश की। देखिए मजाक अपनी जगह होता है, मेरा हार्ट टूट जाता तो। अरे यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारा हार्ट टूट जाए। तुम यू करके जो हुकुम चलाती हो ना, कम से कम वो तो बंद हो जाता। पर तुम ऐसे अनजान क्या बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं? बताओ मुझे, जरूर तुमने फिर से यहाँ पर कैमरा लगवा दिया ना, इसलिए तुम्हें पता चल गया जब मेरी सिक्योरिटी ने आकर वो डंबल्स बदले थे ना, तुमने फिर से आकर वो पुराने डंबल्स रखवा लिए ना? मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, मैं आपकी जैसी नहीं। आपने वो असली डंबल्स रखवाकर मुझे फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की है। अरे फिजिकली क्या, तुम्हें हरकतें ऐसी की ना, तुम्हें केमिकली बायोलॉजिकली बोटानिकली या तक कि मैथमेटिकली भी हर्ट करूंगा मैं। You are impossible. Yes, I am impossible. और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरे सामने बात करना तो क्या, खड़े रहना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे क्या दिख रही हो, ये सब तुम्ही ने किया है मुझे पता है। मैं क्यों करूंगी, मैंने नहीं किया। अरे तुम्ही ने किया है, मुझे मेरी सेक्रेटरी पर पूरा भरोसा है, वो ये सब गलती नहीं कर सकती। क्यों, भगवान है वो जो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान तुम हो जो तुम झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन मैंने नहीं किया। तुम्ही ने किया, अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मुझे क्या, मैंने किया। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाँ दी, लेकिन उस आलिया को तुझ पे शक तो नहीं हुआ ना? शक कैसे होगा, उस जैसी बेवकूफ ना मैंने आज तक नहीं देखी। दिमाग होगा तो कुछ पता चलेगा ना। पैसों के लिए ऐसी हालत खराब कर रखी ना मैंने उसकी कि मैं जो बोलूंगी वो करना ही पड़ेगा। और तो और उसे अभी ये नहीं पता है कि मैंने कितना फूल प्रूफ जाल बिछा रखा। उसका एक गलत स्टेप और उसे फंसना ही होगा, फिर कभी मुझसे पंगे लेने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा तो मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ दी, हमें बस आलिया को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी हमारा ये मिशन पूरा होगा। मिशन तो कंप्लीट होना ही है, लेकिन उससे पहले उसके पूरे परिवार के सामने उसे बेइज्जत करना, उसके बाद दुनिया के सामने, ताकि सबको पता तो चले कि ऐसी भोली शक्ल वाले भी लोगों के साथ गलत कर सकते हैं, उन्हें धोखा दे सकते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर सकते हो, ताकि जब वो घर से बाहर निकले तो दुनिया उन्हें सड़क पे खड़े भी ना रहने दे। तुम जो भी हो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिससे तुम बात करी थी ना वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, इनफैक्ट बेवकूफ लोगों की मिसाल है, एक नंबर की झूठी और दो नंबर की मक्कार है वो। अगर उसे लग रही है ना कि वो सबको कंट्रोल कर सकती है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये भूल रही है कि जो जाल बिछाता है वही जाल में फंसता भी है। और ये क्या मेरी असली दिखाएगी, आई एम अभी द रॉक स्टार, जैसे मैं अंदर हूँ ना वैसे बाहर भी हूँ। इन्हें लग रहा है कि मैं इनके बारे में बात कर रही थी, पर ये कहीं बुलबुल का नंबर ना देख ले। और जैसे मैंने इसकी असली दिखा दी ना, ये ना घर की रहेगी ना घर की। लो कर लो बात, मेरी बात हो गई। हेलो
क्या हुआ दी, जीजू कहाँ से आ गए? कुछ मत पूछ, बस ये समझ ले ये एक तूफान आया था और बिना कोई नुकसान किए चला गया। तूफान? हाँ वो सब छोड़, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी आलिया को फिर से कॉल करना है ना अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है दी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, आधा घंटा हो गया तुमने फोन भी नहीं किया। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं सुना पूरा। अगर तुम सवाल करती हो तो जवाब भी तो सुनो। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे सिर्फ बहाना दोगे। पूरा मुझे बहाना पसंद नहीं। एक सेकंड, मैं बहाना क्यों दूँ? What do you mean? मतलब ये मेरी गलती है? हाँ, तुम तो यही कहना चाह रहे हो कि ये मेरी गलती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एट ऑल। मेरी बात सुन, क्यों बात नहीं करती? मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था पर तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था, इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुमसे बात ही नहीं हुई थी तो बताता कैसे कि मैं लेट होने वाला हूँ। बाय द वे, तुम बात किससे कर रही थी? किसी और लड़के से तो नहीं बात कर रही थी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे बाबा मैं शक नहीं कर रहा, मैं मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बुलबुल मैं तुम पे शक नहीं कर रहा था, मैं सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर तुम्हारा फोन लग नहीं रहा। ये बताना चाहता था कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और मैं लेट हो जाऊंगा। इसके लिए मैंने तुम्हारी मॉम को भी फोन किया पर उनका भी फोन ऑफ था। ना शक करते हो मुझ पर कि तुमने मेरी माँ को फोन किया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। मैं तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? छोटी सी बात लगती है? प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ी बात होती है। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। पर मेरी बात सुनो बुलबुल, आज के बाद ऐसा फिर से मत कहना कि मेरा तुम पे से भरोसा उठ गया। खुद से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। पर मैं अपनी बुलबुल को अच्छे से जानता हूँ। कुछ भी कर सकती है पर किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकती, खास करके अपनी माँ का, अपनी बहन का और मेरा। क्या दिन आ गए! अरे फाइव स्टार में खाना खाने वाला आज सूखा ब्रेड का। मेरा नहीं तो मेरी इमेज का तो ख्याल किया होता, अरे ब्रेड की जगह पिज्जा पकड़ा दिया होता। रॉकस्टार की जैसे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। तू काहे मुंह बना रहा है पुरपा? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। अरे रॉकस्टार के पेट में जा रहा है, स्माइल स्माइल। शर्म नहीं आ रही? हम सब यहाँ पर भूखे मर रहे हैं और तुम इतना टेस्टी खाना खा रही हो, प्लेट भरकर नहीं ट्रे भरकर। मैंने किसी से नहीं कहा भूखे मरने के लिए। किचन में इतना सारा सामान पड़ा है, भगवान ने दो दो हाथ दिए, आप जाइए खाना बनाइए और खा लीजिए। आज दाल कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी। स्मेल्स लाइक हेवन। और ये नवरत्न कोरमा आपका फेवरेट है ना? हर बात का जवाब लेके घूमती है। अब क्या करूं कि इसका सारा खाना मैं चाट कर जाऊं और ये बर्तन ही चाटती रह जाए। अरे हाँ बताना भूल गया कि वो क्या नाम है उसका, पनीर नहीं रोनी आया था तुमसे मिलने, कुछ अर्जेंट बात करनी थी। कितनी देर पहले? अभी 2 मिनट पहले यही पर होगा। अरे उससे मैंने कुछ अर्जेंट काम किया था, शायद उसी के बारे में बात करनी होगी। मुझे अभी जान। ये मेरा खाना, मैं अभी आ रही हूँ, इस पे नजर भी मत डालिएगा। मेरे खाने पे नजर भी मत डालना। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी थाली वही माली। नवरत्न कोरमा माय फेवरेट। इतने दिनों बाद मैंने आपके लिए खाना बनाया। आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। बस आपको अच्छा लगा तो मेरा भी पेट भर गया। सच में बुरे दिन आ गए हैं। अब इस बोरिंग सी जगह में मिस अरोरा मुझे परफॉर्म करवाएगी। रॉकस्टार से जोकर बना दिया है। नमस्ते पगले। नमस्ते। जी हम सिद्धेश्वर विनायक मंदिर समिति की ओर से आए हैं। जी ये वही मंदिर है जो प्रज्ञा जी के घर के बिल्कुल पास में है। तो जी हम एक बहुत ही धर्म के काम में प्रज्ञा जी की मदद चाहते हैं।
जी हम चाहते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी में गणपति जी की स्थापना अभी जी के द्वारा कराई जाए। बस वो वहाँ पे आए, गणपति जी की स्थापना करें, पूजा अर्चना करें, इसी बहाने हमें थोड़ा सा डोनेशन भी मिल जाएगा और उससे जो पैसा आएगा हम उसे उसी मंदिर के रेनोवेशन में लगाना चाहते हैं। आप लोगों की सोच और कोशिश दोनों बहुत ही अच्छी। पर बेटा जी, मेरा बेटा नहीं करेगा क्योंकि वो तो भगवान को मानता ही नहीं ना। अब सिर्फ चेक ये करना है कि डोनेशन के पैसे रखे कहाँ जा रहे, वो तो सोच लेंगे दोनों। लेकिन उसके साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो काम राजभिया ने बोला था वो करा है कि नहीं। आई मीन राजभिया, आपने सिक्योरिटी वाला काम पूरा कर लिया ना? डोंट वरी, वो भी प्लान मैंने कर लिया है, बात भी कर ली मैंने किसी से, बहुत पावरफुल लोग हैं वो। सिक्योरिटी क्या है, वो पुलिस को भी संभाल लेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो आए कि नहीं है। पर हाँ, तुम प्रज्ञा पे नजर रखना, जब देखना कि वो कुछ प्लान तो नहीं कर रही है या कुछ प्लान में अपने चेंज तो नहीं कर रही है। अब यही तो करना बाकी रह गया ना, उस प्रज्ञा पर नजर। ठीक है फाइन, हम उस पर नजर रख लेंगे। किस्मत बदलना जिसे कहते हैं ना, वो इसे कहते हैं। वाह, क्या किस्मत पलटी है इस लड़की की। जस्ट इमेजिन कि चौल में लगे हुए गणपति के दर्शन करने वाली लड़की आज खुद गणपति की स्थापना कर रही। आई स्वेर, सिर्फ पैसे ही नहीं, कितनी इज्जत भी मिल रही है इसे। एक चौल में रहने वाली आज एक हाई प्रोफाइल लोगों के साथ खड़ी है। मॉडल होने के बाद भी मैंने इतनी लाइमलाइट नहीं देखी जितनी ये देख रही है। वो सब तो नहीं बताता ना, लेकिन एक चीज तो तय है, आज इसका ये शो ऐसा फ्लॉप करना है ना कि इसे अपनी असली जगह पता चल जाए। जो ये स्टेज पर खड़ी है ना, जब नीचे आके गिरेगी ना मुंह के बल, तब इस बेचारे को अपनी औकात पता चलेगी। तो चलो चल के देखते हैं कि डोनेशन का सारा पैसा कलेक्ट कहाँ हो रहा है। चलो। हे गणपति बप्पा, मुझे हिम्मत देना, सही रास्ता दिखाना जिस पर चलकर मैं आलिया और तनु का असली चेहरा इन्हें दिखा सकूं, अपने पति पर आई हर मुसीबत से उन्हें बचा सकूं। ओह, तो डोनेशन का सारा पैसा यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। वाओ, कितना सारा खजाना है आलिया। वैसे कुछ सोचा है कि हम ये पैसे चुराएंगे कैसे? नहीं तनु, ये हमारा काम नहीं। राजभिया ने बोला था ना कि ये पूरा का पूरा गेम वो खेलेंगे, हमें तो वही करना है जो उन्होंने कहा है, यानी कि प्रज्ञा पर नजर रखनी। ओके ओके। प्रज्ञा गई कहाँ? अभी बेटा, आज ये आज के उत्सव में क्या होने वाला है? पता नहीं दासी, लेकिन मैं ना इसके खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। अरे दादी, मैं बताती आपको आज यहाँ क्या होने वाला है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पे आने वाले हैं, और तो और आप लोगों के लिए खास सरप्राइज है। आपको पता है यहाँ कौन आने वाला है? सिर्फ अपना पेट और प्लेट पीछे लेंगे। कौन आने वाला है? जितेंद्र सर, मतलब आप लोगों की जीतू जी। जीतू जी, मतलब वो एवरग्रीन जीतू जी? हाँ वही, मेरे जमाने के सुपरस्टार। तुम्हें पता है प्रज्ञा, वो मेरे सबसे फेवरेट हुआ करते थे, और मैं कॉलेज के जमाने में ना अपनी किताबों में उनकी फोटो रख के सोती थी। जीतू जी आने वाले हैं। संभालिए मम्मी जी अपने आप को। पापा जी को जब ये पता चलेगा ना कि आप जीतू जी का नाम सुनकर बेहोश हो रही हैं, तो नहीं कितना बुरा लगेगा। कम से कम उनका तो ख्याल कीजिए। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जीतू जी के आने की बात सुनकर इसको बेहोशी सी आ रही है, इन पर्सन देख लेगी तो फिर तो इसकी मुझे लगता है आखिरी सांस ही रुक जाएगी। आप तो चुप ही रहिए, कुछ भी बोलते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं होगा,
यंग एज में ना मैंने एक बार उनके साथ फोटो खिंचवाई है, मैं इस बार फिर उनसे मिलूंगी, देखना कैसे मिलती हूँ। नहीं मम्मी जी, वैसे मत मिलना, क्योंकि जीतू जी तो वैसे के वैसे हैं जैसे वो पहले थे, लेकिन आप जरा अपना तो देखिए, आपका तो पूरा ज्योग्राफी बिगड़ गया है, लेकिन जीतू जी अभी भी एवरग्रीन है। प्रज्ञा, जब जीतू जी आएंगे ना तो मुझे 2 घंटे पहले बताना, कम से कम उनके सामने जाने से पहले मुझे सजना पड़ेगा, संवरना पड़ेगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। हे भगवान, इस उम्र में भी कैसी कैसी बातें कर रही है। दीदी, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही, जब जीतू साहब आएंगे ना तो मैं उनके साथ डांस भी करूंगी। दिल्ली गया दिन हो गई रात, और मैं ना वो गाना है ना वो ताकि 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 ने डांस भी करने वाली हूँ। लगता है ये सारी ओल्डीज आज ही जवान होने वाली है। आलिया, उनका चार्म ही ऐसा है कि अगर तुम देखोगी ना तो तुम्हें भी उनके साथ डांस करने का मन करेगा। रियली? ओके, तो मैं भी मिलना चाहूंगी। वो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए खुद नहीं आते, ये चोरी चकारी भाव का लेवल नहीं। ओके, भाव को पावर में रहने का, और उसके लिए चाहिए पैसा, इसलिए भाव ने अपने को देख तेरे पास भेजा। वेलकम वेलकम वेलकम, छोड़, पहले ये बता प्लान क्या है। आओ मेरे साथ। सामने बीच में लड़की दिख रहा, गोल्डन साड़ी में, वही अपना टारगेट है। रख गया, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अपन अंदर कैसे घुसेगा? उसका भी इंतजाम हो गया, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आया। एक बार ये इवेंट खत्म हो जाए ना, फिर उस प्रज्ञा की बच्ची का मैं खुद समुद्र में विसर्जन करके आऊंगा। आइए ना, मैं मिलवाती हूँ उनसे आपको। अरे सुनिए, ये देखिए, ये आपके फैंस हैं। नमस्कार। अरे नमस्कार, नमस्कार। रियली? मुझे लगा ये भी तुम्हारे फैंस हैं। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, मेरे और अपने फैंस में कोई फर्क ही नहीं समझते। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले, लेकिन ऐसी बीवी किसी को ना मिले। मेरा मतलब है कि ये है ही इतनी प्यारी कि चाहता हूँ ये एक्सक्लूसिव रहे, किसी और के पास ना हो। अरे लाखों में का, लाखों में। सिर्फ लाखों में? करोड़ों में क्या? करोड़ों में, लाखों से तुम्हारा पेट कहाँ भरेगा? पेट तो मेरा आपके प्यार से नहीं भरता। पंच से भरेगा, पंच से, पंच से, पंच। बहुत अच्छी जोड़ी आप लोगों की, कितना प्यार है दोनों में। देखिए ना कि कितना कितना प्यार करते हैं मुझसे और अपने फैंस से। अरे मैं अपने फैंस से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ ना, मेरे फैंस के सामने पानी कम चाय। अरे कभी हमारे घर आकर देखिए, हमारे झगड़े को देखेंगे तो आप प्यार भूल जाएंगे। क्यों है? गणपति ये शानी लोग, चलना इधर, इन लोग का लव स्टोरी सुनने को आए हैं कि बप्पा के दर्शन करने को आए हैं? काय नाही ते, ते तर आम्ही असच असीच ना अतनिक। नमस्ते। नमस्कार, मी कमला दिगंबर बर्वे। सब लोग मेरे को ताई बोलते हैं, अभी प्यार से बोलते हैं कि डर के बोलते हैं ये मेरे को नहीं मालूम रे बाबा। और ये है मेरा कार्तिया कार्तिक। नमस्ते। 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 नमस्कार। हेलो सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अपन आपका बहुत बड़ा फैन है, अपन ने आपकी सारी एल्बम सुनी। दैट्स ग्रेट, फैंस हो ना तो तुम्हारी तरह, वरना आजकल के लोग तो बिना गाना सुने पता नहीं क्या क्या बन जाते। आई थिंक मुझे भी जाकर बॉक्स चेक करना चाहिए, क्योंकि दी ने मुझे कहा था उस पर नजर रखने के लिए। आई जस्ट होप कि बॉक्स सेफ हो। इसके नजरें बता रही है कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, पर मेरे रहते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। Lord, what's wrong with you? You scared me to death. What are you doing here, Alia? बस क्यों ही? Just like that. मैं जानती हूँ आलिया, प्रज्ञा दी ने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दी है ना, इसीलिए थोड़ी हालत टाइट होगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे जो इरादे हैं और जो बुरी नजर है ना पैसों पे,
आलिया अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। रियली लुक हू इज टॉकिंग, यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, पैसों की बातें तुम तो करो ही मत। आई मीन लाइक बराबरी किससे कर रही हो मुझसे? स्वीटहार्ट मैं एक दिन में जितना खर्चा करती हूँ ना उतना तो तुम्हारे पूरे महीने का राशन आता होगा तुम्हारे घर पर। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जो डेली पॉकेट मनी है वो कहीं ज्यादा है हमारे मंथली खर्चे से, पर क्या है ना जो ईमानदारी से पैसे कमाए जाते हैं ना उसकी बराबरी तुम जिंदगी भर नहीं कर पाओगी। बराबरी की तो तुम बात ही मत करो क्योंकि तुम मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। बिकॉज एक्चुअली तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन है ही नहीं बुलबुल, इसलिए बेटर यही रहेगा बुलबुल कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। टांग नहीं अड़ा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ अपना काम कर रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो आलिया? ऊपर इवेंट चल रहा है, फैमिली ही तुम्हारी, डांस हो रहा है, सो यू शुड बी देयर। मैं भी अपना ही काम कर रही हूँ। मुझे भाई ने यहाँ पर भेजा है वो भी एक काम से। जानना चाहती हूँ वो काम क्या है? वो काम है तुम्हारी प्यारी प्रज्ञा दी पर नजर रखने का। कहना कि मेरे भाई को लगता है कि अब जो तुम्हारी प्रज्ञा दी है वो इस डोनेशन के पैसों में कुछ ना कुछ हेरा फेरी करने वाली है, इसलिए भाई ने मुझे बोला है कि मैं इन सारी चीजों पर नजर रखूं। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, मेरा काम। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ आलिया, तुम यहाँ पर सिर्फ दी ने तो कहा था कि ये डोनेशन बॉक्स 6 बजे के बाद बंद होगा, तो फिर इतने जल्दी बंद कैसे हो गया? ये आलिया जरूर कुछ गलत इरादे से यहाँ आई थी, पर मुझे पहले पैसे चेक करने चाहिए। जल्दी 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 फटफट। कितना छोटा है फिर भी कितना उछलता, अब उछल के दिखा। देखो तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अबे अपना तो काम ही है दस्तौरी गलत काम करना, समझा गया? धीरे गाड़ा रहे, ये पैसे भक्त लोगों के दान के हैं और तुम लोग इन पैसों को चुराकर बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो चुप, कोई बात, हम लोग गंगा नहाकर अपने सारे पाप धोलेंगे, लेकिन अगर अब तेरी थोड़ी सी भी आवाज बाहर निकली ना तो तेरा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत शुक्र मना कि तुझे मारने की परमिशन हमारे पास नहीं है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, समझा? निकलो रे। रोनी ये तुम्हें बांधा किसने? आप मेरी छोड़िए, आप जाके दी को बचाओ, वो ट्रक में ले जा रहे हैं लोगों को, आप जल्दी जाइए जाइए पीछे। दी 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 जल्दी जल्दी जल्दी। उठना दी, दी तू ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी कहीं? हाँ बुलबुल, बुलबुल हम कहाँ हैं? दी हम उसी ट्रक में जहाँ पर सारा पैसा रखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? नहीं कुछ कुछ करना होगा बुलबुल, हम सोचते हैं। ए क्या हो रहा तेरे को? ये बांधा किसने तुम्हें? तुम अभी सर को जानते हो ना? हाँ अभी भी मिल गया, बोल। दोबारा उनके पास जाओ और उनसे बोलना कि डोनेशन के जितने भी पैसे थे ना वो सब चोरी हो गए और वो लोग पैसों के साथ में प्रज्ञा दी और उनकी बहन को उठाकर ले गए। अरे कौन लोग ले गए, कहाँ ले गए? ओहो ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं उन लोगों का पीछा करता हूँ। तुम अभी सर को बोल देना और मुझे मुझे खोलो प्लीज। थैंक यू। तुम सर को बोल देना है। यार ये मुझे क्यों फोन करी है? बोला था कि जरूरत ना पड़े तो फोन मत करना, लेकिन हर बात उनको जाननी है। हेलो हेलो राज भी, आप आलिया बोल रही हो, आप कब तक आ रहे हैं पैसे लेकर? ये पूछने के लिए तुमने फोन किया था, बताया था ना मैंने कि मैं पैसे सेफ जगह पे पहुंचाने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे मालूम चलेगा चोरी हो गई है वैसे ही पुलिस और सिक्योरिटी दोनों ही लोग पैसे ढूंढने में लग जाएंगे, इसलिए सही टाइम पे मुझे इसे सेफ जगह पे पहुंचाना है। और हाँ तुम भी वहाँ पे रहना और नजर रखना प्रज्ञा पे, और ये भी ध्यान देना कि अभी क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो। प्रज्ञा पर नजर तो रखे हुए हैं राज भैया, वो तो हम कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कब आएंगे? आई मीन हम लोग तो इतने एक्साइटेड है कि समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसों का करेंगे तो क्या करेंगे। वी आर सो हैप्पी, हमने तो सेलिब्रेशन भी शुरू कर दिया। एक्जेक्टली
अरे तुम लोग इतने खुश मत हो, वरना लोग देखेंगे ना तो तुम्हारे ऊपर ही शक जाएगा, समझी? इसलिए अपने यहाँ पे कंट्रोल रखो, मैं पहुंच के फोन करता हूँ। पागलों से पाला पड़ गया है मेरा। अरे बना मनाया खेल ना बिगाड़ दे मेरा। उन्होंने प्रज्ञा पे नजर रखने के लिए कहा। नजर तो हम रख लेंगे, पर मैं तो बोलती हूँ कि लगे हाथ उसे जाकर न्यूज भी दे देते हैं, उसे बता देते हैं कि उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। मतलब तुम उसे सब कुछ डायरेक्टली बता? ना, 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 ना। ऐसी बातें डायरेक्टली नहीं बताई जाती पगली। दो तीन चार छ सात आठ तीन की तो गिनती खत्म नहीं हो रही है, क्या करे? आइडिया, यू जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? मुझे सिर्फ देखना। नहीं बुलबुल, क्या करे तू? देखिए हम तो मजाक कर रहे थे, आप लोग सीरियसली मत लीजिए, हम तो बस मजाक कर रहे थे बुलबुल। हेलो नमस्ते। वो क्या है ना कि हमें आप लोगों को तकलीफ देने का कोई इरादा ही नहीं था। अबे देख क्या रहे हो बांदर ने? रुको, ये जो ट्रक है ना जिसमें हम लोग आए, इस ट्रक में एक्चुअली हमें हम गलती से आ गए। वो कहते ना रॉन्ग डिलीवरी, वो हुआ है ना दी? करेक्ट, हमारे साथ रॉन्ग डिलीवरी हो गई बस। और हम लोगों ने तो कुछ नहीं देखा, आंखें हम नजर रात को नहीं दिखता, हमें दोनों को नहीं दिखता। पर अभी तो दिन है। अबे तेरी बहन लगती है क्या? बांध दो लोगों को। नहीं नहीं नहीं, खांसी आ रही है ना? अभी नहीं। दिन तो है, करेक्ट है, दिन है, लेकिन लेकिन क्या बुलबुल? लेकिन यहाँ नहीं नजर आ रहा है ना? दिन नहीं नजर आ रहा क्योंकि अंधेरा था ना ट्रक के अंदर, और अंधेरा है यहाँ पे, ये आपका वो गोडाउन में अंधेरा है, तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, हमने कुछ दिखा ही नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं बुलबुल। बड़े लेवल की प्लानिंग है, हाथ पैर बांध, मुंह पे कपड़ा। बस मुंह में कपड़ा क्यों? ये तो सवाल मत कर, क्योंकि शक्ल देखूंगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा। जल्दी बांध इनको, जल्दी बांध। देखो सर, हमें एक चांस दीजिए, हम आपको अच्छे से कन्विंस करेंगे। वो क्या है? कन्विंस नहीं, हाथ मत लगाना। देखिए गलत हो रही है, मैं बांध रही हूँ, आप मुझे हाथ मत लगाइए। सारे गुंडे नहीं, मैं भी क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं, एक नहीं काफी सारे हैं। किधर है? जरा अपने अगल बगल देखिए। इतने सारे गुंडे और मैं अकेला? गलत बात है ये, अपने बॉस को बुलाओ। हाँ, मेरे को उससे फेस टू फेस बात करने गए, फेस टू फेस। गुरु सिंह जी, आप? अरे गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे क्या पता था आप है। सुना तुम लोगों ने? सुना, छप्पर सिंह को पकड़ने एक फौजी आया था, अरे अगर पूरे फौजी भी आते ना तो भी छप्पर सिंह को नहीं पकड़ पाते। सुना तुम लोगों ने? सुना। अरे और रॉकस्टार, बाहर निकल, देख तेरी दादी हमारे कब्जे में। बस एक आखिरी मौका, गिनती सिर्फ तीन तक होगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।